ओके दोस्तों, अब थोड़ा सा एक्सीलरेशन के डायरेक्शंस के रिगार्डिंग थोड़े बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें और डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक बात सबसे पहले समझो, जो हमारे पास अगर कोई मान लो प्योर रोलिंग हो रहा है जिसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन नहीं है, ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली उठाएंगे, बट उससे पहले हम डिस्कस करते हैं वो केस जहां पर प्योर रोलिंग हो और सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जो है वो हमारा जीरो है। अच्छा, एसीएम जीरो है तो ऑब्वियसली बात है, हम एक चीज तो बोल सकते हैं, जो अल्फा जो होगा वो भी मेरा इक्वल टू जीरो ही होने वाला है, राइट। एसीएम और अल्फा दोनों हमारा जीरो है, ओके ओके, वेल एंड गुड। सो यहां पर पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होने वाला है उसके पहले हम देखते हैं एक बार। अच्छा देखो, ध्यान दो, कोई भी पार्टिकल का एक्सीलरेशन दो चीज होता है, एक होता है टेंजेंशियल और दूसरा जो होता है वो होता है सेंट्रीपेटल, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली बात है, यहां पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का तो कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि एसीएम अल्फा को हमने जीरो कर दिए हैं, तो जो भी इसका एक्सीलरेशन होगा वो उसका सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन ही होने वाला है। नाउ अब यहां पर बात आती है जो ये पार्टिकल का सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन है वो किस पॉइंट के तरफ रहेगा, यानी क्या वो सेंटर की तरफ रहेगा या फिर कोई और पॉइंट की तरफ रहेगा। अच्छा, नाउ अगर मैं सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचूं इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वहां पर तो मामला बहुत चिल है। क्या है, जो भी हमारा पार्टिकल्स है उनका वेलोसिटीज टेंजेंशियली केवल बचा हुआ है ओमेगा आर, ठीक है, इस तरीके का केवल और केवल टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास बचा हुआ है। और इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास इनका जो भी सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन होगा वो हमारा सेंटर ऑफ द डिस्क को ही डेफिनेटली एम करेगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ एनी पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर डायरेक्टेड towards center of mass, ठीक है। बट ध्यान दो, ये जो हमारा acceleration है ये हमारा absolute acceleration तो definitely नहीं है, क्योंकि हर point का जो true speed है वो तो हमारा different है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हर पॉइंट का जो हमारा स्पीड होगा वो तो हमारा सेम है, लेकिन ध्यान देना बाकी एक्चुअल में हर पॉइंट का जो स्पीड होगा दैट विल बी डिफरेंट। तो ये वाला जो हमारा सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन आया है वो ग्राउंड फ्रेम में तो डेफिनेटली गलत है। सो इन ग्राउंड फ्रेम, ठीक है, एवरी पार्टिकल हैज डिफरेंट वेलोसिटीज। तो ग्राउंड फ्रेम में हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो हम सबसे पहले कोई भी एक यहां पर जनरल पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है,
कोई भी हम यहां पर एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। मान लो ये जनरल पॉइंट जो एंगल बनाता है, दैट एंगल इज थीटा। नाउ ये वाले का हमारा दो वेलोसिटीज है, एक वी लाइक दिस और दूसरा हमारा ओमेगा आर लाइक दिस। और हम जानते हैं जो हर पार्टिकल का वेलोसिटी हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट को एम करता है। हाँ, ये वाले केस पे एम नहीं करेगा, बट जो हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी होंगे दैट विल पास थ्रू पॉइंट ए। ये जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है हमेशा हमारा इसी पॉइंट के अबाउट एम करेगा, दैट्स फॉर श्योर। ये जो हमारा पॉइंट है ये डेफिनेटली हमेशा हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट को एम करेगा। तो नेट वेलोसिटी अगर हमारा इस डायरेक्शन पे है और हम जानते हैं सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होंगे, सो यहां पर जो सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन होंगे वो ये पी ए लाइन का परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहां पर एम तो नहीं करेगा लेकिन एम करता हुआ दिखेगा हमें, इसको हमें बैकवर्ड प्रोसीड करवाना पड़ेगा, एम करता हुआ दिखेगा। Now we know semicircular angle is 90 degree. So अगर मैं इसको lowest most point के साथ जोड़ा PA और PB हमारा आपस में perpendicular है, तो PA के along अगर हमारा net velocity है V net, तो PB के अलोंग हमारा क्या होने वाला है, हमारा नेट सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन AC होने वाला है। ठीक है, सो सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन ऑफ P कितना आएगा, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल विल बी टुवर्ड्स द लोएस्ट मोस्ट पॉइंट। ये हमारा हमेशा लोएस्ट मोस्ट पॉइंट को ही डेफिनेटली एम करने वाला है। ओके, मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दो हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखे, पार्टिकल का नेट वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे एम करेगा उस इंस्टेंट का, और जो लोएस्ट सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन है वो हमारा लोएस्ट मोस्ट पॉइंट को एम करेगा इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग, जहां पर सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन और अल्फा दोनों हमारा जीरो है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, अच्छा बाय द वे एक चीज देख लेते हैं, और ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा है, ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा है, ठीक है, ये हमारा आर है, ये भी हमारा आर है। नाउ ये वाला एंगल थीटा है, दिस इज 90, तो ये दोनों एंगल्स आपस में कितना आएगा, 190 माइनस थीटा दोनों का सम, तो इंडिविजुअली ये एंगल्स जो आएंगे दैट विल बी 45 डिग्री माइनस थीटा बाय 2। तो बीपी का लेंथ को अगर मैं एल बोलता हूं, बीपी का लेंथ जो है उसको अगर मैं एल बोलता हूं, तो इन दैट केस में लिख सकता हूं या नहीं, एल बाय साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा is equals to R by sine of 45 degree minus theta by 2। ठीक है, तो जो हमारे पास लेंथ आएगा L, that is R cos theta, ठीक है, and sine of 45 minus theta by 2,
इसको अगर मैं तमीज से लिखूं तो 1 बाई रूट टू इंटू साइन ऑफ थीटा बाई टू माइनस कॉस ऑफ थीटा बाई टू। सो जो लेंथ आएगा एल, वो लेंथ एल मेरे पास कितना आएगा, रूट टू आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा बाय टू माइनस कॉस ऑफ थीटा बाय टू। एंड इसको मैं थोड़ा चेंज भी कर सकता हूं, कॉस थीटा को लिख दूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, तो उससे मेरे पास आ जाएगा। खैर जो भी है, मेरे ख्याल से मैंने कुछ गड़बड़ किया हूं, छोटा सा एक सेकंड रुक जाओ, हाँ उल्टा लिख दिया, सॉरी ये कॉस थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू है, सॉरी। ठीक है राइट। नाउ ये हमारा है एल, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसको मैं और एक वैल्यू भी लिख सकता हूं, रूट टू आर कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू। अच्छा हमारा नेट स्पीड कितना है, मेरा नेट स्पीड कितना है, वी नेट कितना है, वी नेट अगर यहां पर हम लोग ध्यान दें, ये वाला एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो जैसे कि हम लोगों ने किए थे ये आता है v इंटू टू 1 प्लस साइन थीटा। एंड इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट टू वी 1 प्लस साइन थीटा को 1 को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और साइन थीटा को लिख दो 2 साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ये मेरे पास नेट आएगा, ये वी नेट है और ये मेरे पास आर एल है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, वी नेट बाई एल अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, इट विल स्टिल कम आउट टू बी रूट टू वी अपॉन रूट टू आर That is equals to V by R, and this is equals to omega. That's a very interesting result. ध्यान देना, ये जो lowest most point है, ये lowest most point के respect में हर particle का जो angular velocity है वो exactly जो प्योर रोटेशन का एंगुलर वेलोसिटी है उसके इक्वल होने वाला है। यानी हम ये मानते हैं क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारा कॉन्टैक्ट पे तो हमेशा ही रहने वाला है जमीन पे, और ये वाले पॉइंट का एक्सीलरेशन हमारा जीरो है, ये वाले पॉइंट का एक्सीलरेशन हमारा जीरो है। तो दोस्तों उस कारण पे यहां पर ये जो पॉइंट है, जो बॉडी का प्योर रोलिंग का ओमेगा होगा, वही ओमेगा के साथ हर पॉइंट हमारा रोटेट करता हुआ नजर आएगा। इस कारण पे बी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। पॉइंट बी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जिस पॉइंट के अबाउट कोई भी सिस्टम प्योर रोटेशन एग्जीक्यूट कर रहा है, नो ट्रांसलेशन ओनली प्योर रोटेशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, यानी उस पॉइंट के थ्रू पास करता हुआ एक्सिस को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि यहां पर हमारा पॉइंट बी है। आईआर पे हम वापस आएंगे, ठीक है। बिफोर दैट अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है।
नाउ यहां पे वी आर नॉट दैट मच लकी, यहां पर ओमेगा भी है और अल्फा भी है, राइट? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है ये बोला हुआ है. देन फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट ए, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर कॉमा थीटा सच दैट इट हैज जीरो एक्सीलरेशन. ठीक है. नाउ अभी हम लोग यहां पर ध्यान दें. अच्छा ऑब्वियसली बात है पॉइंट बी जो है वो हमारा ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है. पॉइंट बी जो है वो हमारा ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है, तो वो वाले पॉइंट पे अगर हम ध्यान दें तो वो वाले पॉइंट का यहां पर जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा नेट वो भी हमारा जीरो होगा. पहली बात तो ये है. और वो वाला पॉइंट जो है वो राइट नाउ इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर है. राइट नाउ वो जो है वो हमारा इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर है. ठीक है. ओके तो ए ए कितना होगा उसको निकालने के लिए एक पॉइंट मार्क कर देता हूं. दिस इज पॉइंट सी द सेंटर ऑफ मास. ठीक है. सेंटर ऑफ मास. तो ये बताओ फॉर पॉइंट ए. ठीक है. फॉर पॉइंट ए क्या होगा ध्यान देना. हमारा जो ए का सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सीलरेशन ऑफ ए अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होगा. अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होगा. अच्छा मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है. मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है. ठीक है. तो ऑब्वियसली ओमेगा स्क्वायर आर नीचे की तरफ होगा. ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर डाउनवर्ड प्लस अल्फा आर टुवर्ड्स राइट. सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इतना एक्सीलरेशन होगा हमारा राइट. एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अगर मैं ध्यान दूं कितना होगा. मैं थोड़ा नाम दे देता हूं आई कैप और जे कैप. मैंने इस डायरेक्शन को आई कैप बोल दूं और ये वाला डायरेक्शन को जे कैप बोल दूं. ठीक है. सो ओमेगा आर का वैल्यू है 2√3. ओमेगा जो है वो है मेरा 1. तो ये मेरे पास आ जाएगा 2√3 जे कैप प्लस अल्फा आर यानी 6 आई कैप. ये हमारा एक्सीलरेशन वेक्टर है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. ठीक है. नाउ सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होगा. अच्छा प्योर रोटेशन किस पॉइंट के अबाउट हो रहा है. प्योर रोटेशन तो पॉइंट बी के अबाउट हो रहा है. प्योर रोटेशन जो है वो मेरा पॉइंट बी के अबाउट हो रहा है. अच्छा ध्यान देना जो पॉइंट सी है उसका कोई अल्फा आर का टर्म जो है वो तो डेफिनेटली अगर हम ध्यान दें यहां पर जो है अल्फा आर जो है वो हमारा एसीएम के इक्वल होगा. अल्फा आर जो है वो हमारा एसीएम के इक्वल होगा यानी सेंटर ऑफ मास का तो केवल और केवल ऐसे ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन होगा. तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन होगा एसीएम वेक्टर दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू अल्फा आर आई कैप दैट इज इक्वल्स टू 6 आई कैप. ठीक है. सो जो हमारा ए का नेट एक्सीलरेशन होगा ए का नेट एक्सीलरेशन हमारे पास कितना होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू 12 आई कैप प्लस 2√3 जे कैप. ये हमारा ए का एक्सीलरेशन होगा नेट. और अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं दैट विल बी अंडर रूट 144
और ये 4 × 3 = 12, तो दैट इज 156 अंडर रूट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, बी पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या होगा? लॉजिकली एक चीज समझ लो, बी पॉइंट का एक्सीलरेशन में कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बी हमारा ग्राउंड के कांटेक्ट में है, और जो हमारा रोटेशन का इफेक्ट है वो हर पॉइंट का सेम है, तो लॉजिकली उसका आंसर आना चाहिए 2√3 − j·, ऑब्वियसली डायरेक्शन उल्टा होगा। ठीक है, देख लेते हैं वैसे आ रहा है या नहीं इस वाले मेथड से। फॉर पॉइंट बी क्या लिख सकता हूं, ए ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अपवर्ड, यानी −2√3 j·, और अल्फा आर का डायरेक्शन उल्टा है तो −α r i·। ठीक है, −α r i·। सो दिस इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूं मैं, दैट इज इक्वल्स टू −2√3 j·, −6 i·। और ACM वेक्टर तो हमने निकाल दिए हैं 6 i·, तो यहां से मैं सिंपली लिख सकता हूं जो मेरा AB वेक्टर होगा दैट विल बी −2√3 j·। ये हमारा पॉइंट B का नेट एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, नाउ लास्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P r·θ सच दैट इट हैज 0 एक्सेलरेशन। अच्छा, नाउ AP वेक्टर अगर मेरा 0 है, AP वेक्टर अगर मेरा 0 है, तो दैट सिंपली इंप्लाइज AP विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो है वो मेरा −6 i·, होना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का 6 i·, तो फिक्स है। तो पी पॉइंट का जो भी एक्सीलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होना चाहिए वो हमारा −6 i·, होना चाहिए। सो नाउ लेट्स सी, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट पे अगर हम बात करें कोई भी पॉइंट का, ठीक है, थीटा कैसे लिया हुआ है, वर्टिकल के साथ, ओके, ये हमारा थीटा है, इसका 2 एक्सीलरेशन है, एक हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर आर स्मॉल आर, और एक इस डायरेक्शन में अल्फा आर। ठीक है, एंड नाउ अगर हम ध्यान दें, ये थीटा है तो ये 90 − θ है, तो पहली बात तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट होना चाहिए। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फा आर साइन थीटा, पहला एक रिलेशन तो हमारे पास होगा, और दूसरा मैं ये वाले कंपोनेंट पे लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा प्लस अल्फा आर कॉस थीटा, ये हमारा लेफ्ट की तरफ 6 होना चाहिए। अच्छा, तो फर्स्ट वाले रिलेशन से क्या लिख सकता हूं, आर आर इज गॉन, तो यहां से मैं लिख सकता हूं टेन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन अल्फा, सो ओमेगा स्क्वायर अपॉन अल्फा मेरे पास आ जाएगा 1/√3, सो थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू 30 degrees, थीटा जो आएगा वो मेरे पास आएगा 30 degrees, और इसको अब यहां पर पुट कर दो। ठीक है, तो आर इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, तो साइन
30 डिग्री यानी हाफ प्लस अल्फा इंटू कॉस थीटा रूट 3/2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 6। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 1/2 प्लस 3/2 यानी 2 यानी आर मेरे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 3 मीटर। आर जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3 मीटर। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट है, अच्छा बाय द वे टेन थीटा मेरा 1/√3 आया है और एक पॉसिबिलिटी है बाय द वे थीटा का, मैंने जनरल सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं दिया था। सो ये हमारे पास और क्या हो सकता है 210 डिग्रीज, एक हमारा 30 पॉसिबल है और एक हमारा 210 पॉसिबल है। थीटा जैसे कि हमने मेजर किए हैं, यहां से अगर हम 210 घूमेंगे तो ये वाले यानी इसके एग्जैक्टली उल्टा वाला जो पॉइंट है उसका भी एक्सीलरेशन हमारा जीरो होने वाले हैं, यानी दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स मिलेंगे और वो दोनों जो है वो सेंटर से 3 मीटर के दूरी पर होने वाला है। ओके?